जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का केजरीवाल के खिलाफ बड़ा ऐलान। देवेंद्र यादव की अपील सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है। कांग्रेस भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हर महीने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही है। मंगलवार को शकुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के जंग भवन रानीबाग में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से देवेंद्र यादव, अनिल भारद्वाज, जिला अध्यक्ष मनोज यादव, कांग्रेस नेता चमनलाल शर्मा, जेएस नियोल, कमलकांत शर्मा, देवरा अरोड़ा, रोशन लाल आहूजा, मदन खुराना, इंद्र गुलाटी, सतीश लुथरा, अजय विरमानी, संजय बगड़िया समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। देवेंद्र यादव ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि जब सरकारें काम नहीं कर रही है तो जनता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बदलकर काम करने वाली, दिल्ली का विकास करने वाले राजनीतिक दल को जिम्मेदारी सौंपे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लगातार संघर्ष के बाद दिल्ली में जो माहौल बन रहा है उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिल्ली में बदलाव लाने के लिए भरपूर उत्साह और जोश पनप रहा है। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने उपस्थित सभी कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में। देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी पहुँचने वाले हैं। जिला स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं और ब्लॉक स्तर के भी यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। इसकी बैठक लेने के लिए अभी अभी देवेंद्र यादव जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इन लोगों की बैठक लेंगे और क्या बातचीत होगी सब कुछ आपको बताएंगे। आपको जायसवाल जी, आज हमारी जिले की मासिक बैठक है, तो हमारी कार्यकारिणी की आज बैठक है जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी आने वाले हैं। वो इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और हमारे लिए गर्व की बात है कि अध्यक्ष जी हमारे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे जिले में आ रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा? नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी 70 सीट पे लड़ेगी और 70 सीटों पे हम सरकार बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का माहौल बनता जा रहा है, लोग बाग समझ गए हैं कि दो जो झूठे लोग सरकारों में आए थे, एक केंद्र सरकार में आए, एक दिल्ली सरकार में, जो भ्रष्टाचार का नाम लेके आए थे, खुद भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि कई महीने से तो मुख्यमंत्री जेल में बंद है, उप मुख्यमंत्री 17 महीने बाद बाहर जमानत पे आया है, और जमानत भी क्या, हफ्ते में 2 बार तो उनको थाने में जाकर हाजिरी देनी है। ये एक हार्ड क्रिमिनल के लिए ये सजा होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ, लोग बाग समझ गए हैं कि ये झूठे लोग हैं और काम करने वाले नहीं हैं। काम करती थी तो सिर्फ कांग्रेस करती थी, तो कांग्रेस की तरफ लोग बाग देख रहे हैं और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। स्मृति ईरानी भी आपके जिले में बैठक ले रही है भाजपा कार्यकर्ताओं को, लगता है पार्टी उन्हें आगे करे। कौन स्मृति ईरानी? जो सांसद रही है राहुल गांधी जो हराई थी। नहीं नहीं, आती रहो, ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लोग बाग समझते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ, अब क्या बताऊं मैं, कुछ गलत शब्द महिला के लिए बोलना नहीं चाहिए, तो आती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या माहौल लग रहा है चमनलाल शर्मा जी? चमनलाल शर्मा जी क्या माहौल लग रहा है आज? बड़ी खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हमारे, क्योंकि ये फैसला किया अध्यक्ष जी ने कि हर क्षेत्र में वो जाएंगे, हर क्षेत्र में मीटिंग करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो पहले एक ही जगह हुआ करती थी, अब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हर जगह, देवेंद्र यादव जी ने कहा कि हर जगह ये मीटिंग होनी चाहिए, उसी के तहत आज शकूर बस्ती में जंग भवन में ये भव्य मीटिंग हो रही है जिसमें सब हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी, प्रधान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री देवेंद्र यादव जी का स्वागत करने के लिए। क्या लगता है माहौल अब चेंज हो रहा है? माहौल चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस की टिकट लेने के लिए किस प्रकार मारा मार हो रही है, कितने हजार आवेदन आए हैं कितनी सीटों के लिए, आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ है कितना ऊपर उठ रहा है, और धीरे धीरे दिल्ली में भी जैसे ही चुनाव घोषित होगा तो दिल्ली में भी ये ग्राफ उठेगा। लगता है कमलकांत शर्मा जी आपकी अभी 0 सीट है, सरकार बनाने के लिए 36 विधायक चाहिए होगा, लगता है रिवर्स करेगी पार्टी? आप कहाँ की बात कर रहे हो, दिल्ली की या हरियाणा की? दिल्ली की।
आज जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो आदर्शनगढ़ जिला है उसकी होने जा रही है और संगठन मजबूत हो आने वाले विधानसभा के अंदर जो आपने जीरो कहा जिससे हम हीरो बन के उतरे और कम से कम 40 विधानसभा के अंदर हमारे विधायक चुन के पहुँचे इसकी लड़ाई को लेकर ब्लॉक और जिलाओं के अंदर मीटिंगें चल रही हैं और सभी लोग बड़े कार्यकर्ता जो आज आपके सामने बैठे हुए आपको लगता होगा कि किस तेजी के साथ किस लगन के साथ कांग्रेस मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं रिवर्स करेगी कांग्रेस गई कहाँ थी, देखो इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है, बीजेपी भी तो दो से सरकार बनाई ना, आम आदमी पार्टी की एक सीट नहीं थी दिल्ली में, किसी को मालूम था ना उनके पास कल वर्कर था ना आज वर्कर है, तो कांग्रेस तो दिल में जब कांग्रेस की हवा पूरे देश में चल रही है तो दिल्ली में नहीं चले ऐसे कैसा हो सकता है। बराबर के स्टेट हरियाणा में कांग्रेस जीतने वाली है, महाराष्ट्र में जीतने वाली है, जम्मू कश्मीर में जीतने वाली है, तो यहाँ क्यों नहीं जीतेगी, यहाँ भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और दोनों पार्टियां मिल जाएं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के बराबर के कार्यकर्ता नहीं है, तो कांग्रेस वापसी का मतलब नहीं कांग्रेस जीतेगी, इन्होंने ये तो हिसाब ही नहीं देना है ना दोनों को कि क्या किया है भाई 5-10 साल में इन्होंने क्या किया है, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या किया है इनको जवाब देना, जब नहीं देना तो लोगों की सोच ये रहती है यार इससे तो अच्छी कांग्रेस थी, ये आम सोच है आज इससे तो अच्छी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस वापस आएगी सरकार बनाएगी अपने दम पे बनाएगी। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को आगे किया है? कौन स्मृति ईरानी? जो राहुल गांधी को चुनाव पहली बार हराई वो आपने उसका रिजल्ट और परिणाम देख ही लिया। ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे आज भ्रष्टाचार के ऊपर लिप्त हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आप मैं एक राष्ट्रीय स्तर के एसोसिएशन चलाता हूँ, अभी मैं हरियाणा में गया, यूपी में गया, पंजाब में गया, लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार आएगी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज जिला स्तर की हमारी मीटिंग है, मासिक मीटिंग होती है, तो जिले में हम लोग सारे जो पदाधिकारी हैं खाली उन्हीं को भी बुलाया जाता है और आप देखो कैसा उत्साह है सुबह सुबह, आज वर्किंग डे है लेकिन उसके बाद भी सब लोग हैं दिल्ली के अंदर। कांग्रेस अभी बिल्कुल कोई भी विधायक नहीं है, यहाँ से लेकर 36 सीटों तक तब आपकी सरकार बन सकती है, 0 सीट है अभी आपके, कैसे रिवर्स करेंगे, कैसे जमीन पर आएंगे? आप बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आप देख लेना यहाँ पूरे बहुमत से दिल्ली में सरकार बनेगी, हरियाणा में हरियाणा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा और दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी इनका बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि मैं इसलिए राष्ट्रीय लेवल की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा इंडिया विजिट करता हूँ, लोगों के बीच में डोर टू डोर जाता हूँ, बिल्कुल चेंज है, लोग तराई तराई कर रहे हैं महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। अभी आपने फोन किया था, क्या माहौल लग रहा है कुछ? इस टाइम कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है, लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लोगों की निगाहें कांग्रेस पे हैं, वो जो मोदी खाना था वो चला गया है, उसकी जो सब पटाटा फिस हो गई है, कांग्रेस जो है 4 इलेक्शन हो रहे हैं आपके 4 सीटों में, 0 सीट है दिल्ली में कांग्रेस की, यहाँ से लेकर 36 सीटों तक तब जाके आपकी सरकार बन सकती है, एक भी विधायक नहीं है, लगता है आपको रिवर्स करेगी आपकी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, पार्टी आएगी। अब ये 4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, 4 स्टेटों में कांग्रेस आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, 4 स्टेटों में कांग्रेस आ रही है। इधर नहीं प्रोग्राम चल रहा है, क्या माहौल है मदन खुराना जी, कांग्रेस पार्टी तो खाती कार्यकर्ता सब जोर लगा रहे लेकिन माहौल क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? देखो जायसवाल जी, जमीनी हकीकत आपके सामने है, जब से हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी बने हुए हैं दिल्ली की जनता में कांग्रेस में नई ऊर्जा आई है और दिल्ली की जनता जागरूक हुई है और सभी पार्टियों के लोग, क्या बीजेपी हो क्या आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टी के लोग अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और श्री देवेंद्र यादव जी एक का जो हमारे अध्यक्ष हैं वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है,
और उनको दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली की जनता की सारी समस्याएं के बारे में जानते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में दिल्ली में काम हुए आज तक आपने देखा होगा वो काम दिल्ली में कभी नहीं हुए। जो हमारी माननीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री थी, जब उस कार्यकाल में जितने कार्य हुए उसके बाद दिल्ली में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ, कोई भी नया पुल नहीं बना। अगर ये स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों में भी क्या कर रहे हैं, ये पुरानी बिल्डिंगों को ठीक करके या वही स्कूल में कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बना के, और कितनी नई स्कूल खुले हैं, कितने नए विश्वविद्यालय खुले हैं, कितने नए अस्पताल। जितेंद्र सिंह तोमर से हमारी बात होती है तो बताते हैं 9 मोहल्ला क्लिनिक त्रिनगर में चल रहे हैं, कई स्कूल उन्होंने बनवाए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, महिलाओं के लिए बस फ्री है। आपकी बात सही है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, लेकिन जो युवा जो बेरोजगार है, जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, जब देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी तो वो देश विकसित कहाँ से होगा। चंद परिवारों को अगर इतना पैसा दे दिया जाएगा और युवा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, रोजगार भी तो जरूरी है, जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा तो कहाँ से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल कांग्रेस की कोई विधायक नहीं है, कांग्रेस आ रही है, सारे विधायक अब की बार कांग्रेस के ही होंगे, आप देख लेना अब की बार जो रिजल्ट आएगा ना तो शॉकिंग रिजल्ट होगा। और आप देखो लोग कितने परेशान हो चुके हैं, बिजली से पानी नहीं आ रहा, पॉश एरिया राजेंद्र नगर जैसे एरिया में जब दिल्ली में पानी नहीं आ रहा तो मतलब जो कैपिटल है, जब बेसिक नीड्स के लिए भी हम लोग तरस रहे हैं, लाइट इन लोगों ने बिजली इतनी महंगी कर दी है, हर चीज़ में GST लगा दी, तो आम आदमी मीडियम फैमिली बहुत परेशान हो चुकी है। इनफैक्ट इन लोगों से तो जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी वो लोग भी इन लोगों से परेशान है GST दे दे देकर। पिछले 12 साल में दिल्ली को बिगड़ते हुए हमने तो देखा ही देखा है, आम जनता ने भी उसको महसूस किया। आज से 12 साल पहले 15 साल तक हमारी सरकार रही माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, एक मजबूत सरकार और एक प्रोग्रेसिव सरकार और एक ऐसी सरकार जिसने सबको साथ लिया, मतलब जहां डेवलपमेंट के नए आयाम रचे, अपनी सरकार इतनी सेंसिटिव सरकार थी कि अगर बदल रहे हैं तो गरीब लोगों को हमने सिलेंडर देने का काम भी उस समय किया। याद होगा 450 रुपए का उस समय सिलेंडर होता था, आज वही 1100-1200 रुपए मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली ने एक प्रोग्रेसिव दिल्ली को बनते हुए देखा, एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप होते हुए हम सब ने उसको देखा। लेकिन आज 10-12 साल के बाद कहीं ना कहीं वो जो ढांचा हमने तैयार किया था, जिसका ये तो हमारा बेस मजबूत है इसलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं, अगर बेस मजबूत नहीं होता तो मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से 30 लोगों के कारण से की वजह से मर जाता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरी दिल्ली की जो इमेज है इससे वो इमेज इंटरनेशनली खराब होती है, तो हम सब ने ये देखा है। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि हम 12 साल में सरकार भी इस तरीके की आई है जो विपक्ष को सिर्फ विपक्ष के रूप में देखती है, वो उनके सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर किया, आप लोगों का प्रेशर काम आया, पहली बार उनको लगा कि एनवायरमेंट के ऊपर इनसे सलाह करनी चाहिए, लेकिन वो भी फॉर्मेलिटी पूरी, ऐसी सलाह नहीं मांगी जाती कि आप चिट्ठी भेज दीजिएगा आपने वो दे दीजिए, सलाह अगर वाकई में करनी थी तो हमारे भी कुछ लोग आते, दूसरी पार्टी के भी आते, सरकार में बैठते, ऑफिसर्स के साथ चर्चा करते और उसमें हम सलाह देते। आप लोगों को पता है कितने लोगों को पता है कि नहीं, पहली बार आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष भी हैं, पर्यावरण मंत्री जी भी हैं, उन्होंने ऑफिशियली एक चिट्ठी लिखी है कि भाई एनवायरमेंट को लिहाज में रखते हुए, क्योंकि सर्दियां आ रही है प्रदूषण बढ़ेगा, तो उसमें आपके सुझाव क्या है। हमने उनको यही जवाब दिया, अगर आप वाकई में आप सुझाव चाहते हैं तो सबको बुलाइए, बिठाइए, ऑफिसर्स को साथ में लाइए, आपके क्या प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ सुझाव देंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।